नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू मेरा एलबीडीटी बेस पे था। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि एक लोड सेल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इनपुट चार्ज मेरा लोड सेल एक कनेक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो कृपया वन सेकंड में रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीवियस वीडियो देखिए, सो डेट आप अच्छे से समझ पाए कि एनालॉग पे कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में यह बताया था कि एक विदाउट डेटा जाने वो मुझे डेटा नहीं पता चल रहा है, और एक प्रोग्रामर कैसे स्केल कर लेता है प्रोग्राम में, मीन्स एनालॉग को, तो उसके भी बारे में काफी डिटेल में बताया था। और जनरली जो मीन्स जेन्युइन मेथड है उसके थ्रू कैसे हम करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो को देखिए, सो डेट समझ पाए। अगर इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से विजिट करके आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनालॉग इनपुट और आउटपुट बेस पे है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमारे इंडस्ट्रियल बेस पे है। और इन सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो इसी सोल्यूशन प्रेस करके आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और डेल्टा में, मिस बीसी में, जीएक्स वर्क टू, जीएक्स वर्क थ्री में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं आपको यहां से इन प्ले लिस्ट को भी विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आप प्लीज आप सभी वीडियो को देखिए, थ्योरी वीडियो को भी देखिए, सो डेट आप समझ पाए। और थ्योरी वीडियो को समझ देख के आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ये डिजिटल काउंट्स क्या होते हैं, इसका रेजुलेशन कितना महत्व तो हमारे लिए रखता है, सो डेट आपको वो भी पॉइंट क्लियर हो पाए। तो मैं वंस अगेन बोलूंगा कि पूरे प्लेलिस्ट को देखिए, सो डेट एनालॉग में आप एक्सपर्ट बन पाए। आज हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ ले रीड कर देता हूँ, सो डेट आप समझ पाए कि क्वेश्चन नंबर टू करना क्या चाह रहा है। कि द एलबीडीटी जनरेट द एनालॉग वोल्टेज सिग्नल डेट्स वेरी फ्रॉम द 0 to 5 volt एंड करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रेंज 0 से 150 mm, द एलबीडीटी सिग्नल इज कनेक्ट टू पीएलसी एनालॉग इनपुट चैनल डेट्स रेजुलेशन ऑफ द 13 bits, कैलकुलेट द एंड राइट द प्रोग्राम फॉर इट। इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरिटिकल में काफी अच्छे से सॉल्व कराया है, तो आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर को बताएंगे, 5 में ये 1% एक्यूरेसी कैसे निकालता है जो एरर था ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2.5 वोल्ट हो तो करस्पॉन्डिंग द डिस्प्लेसमेंट एलबीडीटी कितनी ट्रेवल किया होगा 2.4 वोल्ट अगर शो कर रहा था, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब कैसे करना है मैं थ्योरी में पता देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 और 4 का सोल्यूशन देखेंगे। इफ द पीएलसी एनालॉग इनपुट इज 4.3 वोल्ट, अगर पीएलसी के एनालॉग इनपुट चैनल पर 4.3 वोल्ट आ रहा होगा तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 4.3 वोल्ट आ रहा होगा तो डिजिटल काउंट कितना शो रहा है। इफ डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी 45 हो, अगर डिजिटल काउंट शो कर रहा है तो डेट इज अ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलबीडीटी। अगर एलबीडीटी में 4500 काउंट अगर शो कर रहा है, सॉरी पीएलसी में 4500 काउंट शो हो रहा है, तो एलबीडीटी बाहर जो रखा है वो कितना एमएम ट्रेवल किया होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम पीएलसी प्रोग्राम राइट करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि 13 बीट का है, तो इस क्वेश्चन को हम एफएक्स पाइपयू में, जो हमारा एफएक्स पाइपयू का अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो एफएक्स पाइपयू में इनपुट चैनल बोलता है कि 12 बीट का है, मीन्स मैक्सिमम आप 12 बीट का काउंट से ले सकते हैं, 0 to 10 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं और अनसाइंड बाइनरी 12 बीट का ले सकते हैं। एसडी 60 में वैल्यू आएगी एनालॉग इनपुट की, और मैक्सिमम जो डिजिटल काउंट है 4000 तक दे सकते हैं। 4000 कहने का मतलब 2 to the power ये 12 बीट का है, तो 12 बीट में अगर मैं कैलकुलेटर से चेक कराना, सॉरी यहां मैं कैलकुलेटर से चेक कराना चाहूं 2 to the power 12 की और वैल्यू देखेंगे तो 4096 होता है, 4096, तो ये 4096 होता है। डिजिटल क्लिपिंग से 96 हम पल्स को, ये काउंट्स को कम कर देते हैं तो ये मैक्सिमम काउंट्स हमारे 0 से 4000 काउंट्स बन जाते हैं। बट हमारा क्वेश्चन में ये बता रहा है, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में बता रहा है कि 13 बीट का है, 13 बीट का है मेरा बीट रेजुलेशन, यहाँ पे देखेंगे ये 13 बीट का है, यहाँ पे 13 बीट लिखा है, तो यहाँ पे मैं 13 बीट का कितना बिट्स, कितना काउंट्स बनेगा, बीट मीन्स ये कितने काउंट्स का बनेगा, 2 to the power 13 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 2 to the power 13, तो यहां देखेंगे 8192 काउंट्स बनेगा, 8192 काउंट्स में 192 काउंट्स हमारे डिजिटल क्लिपिंग से हटा दिए जाते हैं तो टोटल 800 काउंट हमारे बनते हैं अगर मेरा 13 बिट का है तो, ठीक है। बट हमारा अगर मैं एफएक्स पाइपयू में इसी पीएलसी प्रोग्राम को सॉल्व करूं, ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इग्नोर कीजिए इसको अभी, अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये 12 बिट के लिए बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसमें सॉल्व नहीं कर सकता हूं एलबीडीटी वाले क्वेश्चन को। अगर ये 13 बिट का है, ये मेरा एलबीडीटी अगर 13 बिट का है, यहाँ पर देखेंगे कि 13 बिट का है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ।
बट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इसका बता रहा है कि मैक्सिमम 4000 काउंट से ले सकता है, बट कैलकुलेटर और 13 बिट की वजह से ये बता रहा है कि मैक्सिमम काउंट आपका इतने आना चाहिए 8192। अगर 192 काउंट से मैं डिस्टर्ब क्लिपिंग से हटा देता हूँ तो मैक्सिमम 8000 काउंट आने चाहिए, बट 8000 काउंट तो इसमें आ नहीं पाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, करेक्शन क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बट ये 13 बिट के जगह पर मैं ये मान के चलूंगा कि ये मेरा जो क्वेश्चन है 12 बिट के लिए है, मीन्स ये जो बिट रेजुलेशन मेरा 12 बिट का है। तो ये मैं इसलिए थ्योरी क्वेश्चन में मैं बता देगा 12 बिट का है, डेल्टा में करके तो 13 बिट का भी मिल जाएगा, 14 बिट का मिलेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं थ्योरी में काफी डिटेल में बताया था। बट मिसबीसी में आप करोगे तो इसको मैं 12 बिट मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। तो वंस अगेन मैं इस क्वेश्चन पर आऊं, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये लोड सेल पे बेस्ड क्वेश्चन को कराया था कि ये लोड सेल पे कितनी काउंट्स आ रही हैं। अब इसी काउंट्स को मुझे एलवीडीटी के लिए बोलना है, तो मैं एलवीडीटी में इसमें क्या मॉडिफिकेशन करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ कि काउंट्स रीड बाय पीएलसी बट डिवाइड बाय टोटल काउंट्स, टोटल वेट की जगह पर मैं ये एक सिंटैक्स है, बस मैं टोटल ट्रेवल लिख सकते हूँ, टी आर ए, मैं इसको इस्माल में कर देता हूँ, ट्रेवल टी आर ए। ये मेरा एक जस्ट एक फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला बना कि एलबीडीटी कितना एमएम ट्रेवल किया होगा, टोटल काउंट रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय टोटल काउंट्स, और टोटल ट्रेवल एलबीडीटी मैक्सिमम कितना ट्रेवल किया है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकूंगा। तो ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला तब वैलिड है, वंस अगेन मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये तब वैलिड है कि जब इसकी 0 से 150 एमएम कोई भी वैल्यू इसमें नेगेटिव नहीं है, और 0 to 5 वोल्ट है, अगर वोल्टेज नेगेटिव हो जाए या फिर ये ट्रेवल एमएम कुछ 0 एमएम के बजाय यहाँ पे 20 एमएम हो जाए, 20 से 150 एमएम, तो दूसरा फार्मूला बनेगा, ये नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 से 150 एमएम की ट्रेवल है, 0 to 5 वोल्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपका नेगेटिव में आ रहा -5 to +5 तो इसके लिए दूसरा मीन्स फार्मूला बनेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये हमारी अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तब ऐसे केस में ये मैंने फार्मूला लिख दिया, तो टोटल काउंट रीड बाय पीएलसी हमारा फर्स्ट चैनल में आएगा। अगर मैं दिखाऊं तो ये फर्स्ट चैनल से मैं वोल्टेज जनरेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एलवीडीटी है नहीं, तो मैं क्या किया हूं, FX5 ये पीएलसी है मेरी, तो यहाँ आउटपुट से कुछ वोल्टेज जनरेट करूंगा और यही वोल्टेज मेरा इनपुट चैनल पर चला जाएगा, और यहीं से मैं एक मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रखा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो इस मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रखा, और कितनी वोल्टेज ये इनपुट पे रीड कर रहा है उसकी वैल्यू को मैं मल्टीमीटर के थ्रू रीड करूंगा, ठीक है। तो और ये मेरा जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में मॉडिफिकेशन करूंगा, तो जो हमारी चैनल नंबर 1 की वैल्यू इस जो चैनल नंबर 1 की वैल्यू आएगी उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही थी, ये क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में ही मॉडिफाई कर रहा, क्योंकि देखिए चाहे एलबीडीटी हो चाहे लोड सेल हो कुछ भी हो, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो मेरा लॉजिक सेम ही रहेगा, ये नहीं एलबीडीटी के लिए अलग बन जाएगा, टेम्परेचर मींस अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वैल्यू अलग बनेगा, मींस एक अलग सा प्रोग्राम राइट हो जाएगा, बट अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव है 0 to 2, जैसे कि मैं अगर दिखाना चाहूं वंस अगेन, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो मैं बताऊं, लोड सेल में भी आप वैल्यू देखेंगे 0 to 10 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा, और 0 to 10 वोल्ट मैक्सिमम वेट जो था 0 से लेके 1000 kg था। सेकंड वाले भी क्वेश्चन में देखेंगे कि 0 से लेके 150 mm ट्रेबल है, और जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है 0 से 5 वोल्ट, मीन्स दोनों केस में वोल्टेज मेरा निगेटिव नहीं है और ना ही ट्रेबल mm मेरा निगेटिव है, तो सेम लॉजिक चलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा, बट कुछ कुछ वैल्यू चेंज होगा, वो वैल्यू क्या चेंज होगा वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए जो फर्स्ट चैनल की वैल्यू डिस्टर्ब काउंट इसमें आएगा D12 में मैंने मूव करा दिया, और फर्स्ट काउंट की वैल्यू को आप मिली वोल्ट में मेजर कर सकते हो, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 6022 में जो है मिली वोल्ट में आता है, तो ये मिली वोल्ट है, अगर आप इसको वोल्ट में जनरेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिली वोल्ट है, यहाँ पे जनरेट हो रहा 15 mV जनरेट हो रहा। मैंने क्या किया प्रीवियस क्वेश्चन में मैं सॉल्व किया था कि SD6020 की वैल्यू D12 में मूव करा दिया, क्योंकि ये कुछ वैल्यू पहले ही से आ रही है, 5 और 6 कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है, तो मैंने क्या किया D12 में जो गार्बेज वैल्यू आ रही है उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी मतलब 5, 6, 7 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू जो 5 थी वही मैंने सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू D0 में मूव करा दिया। अब D0 की वैल्यू क्योंकि ये इंटीजर है इसको फ्लोट में लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एलबीडीटी मेरा 20.5 mm चले 20.6 mm चले, तो मुझे दशमलव में वैल्यू देखनी है, एक्यूरेट वैल्यू देखनी है, इसीलिए इंटीजर टू मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया D0 की वैल्यू D3 में मूव करा दिया, और इंटीजर की वैल्यू मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे कि अगर ये मेरा मिसबीसी है, अगर यही काउंट्स मेरा 8192 होता, अगर मैं यहाँ पे किसी और के लिए काउंट्स यूज करता ना, तो ये मैक्सिमम जो काउंट्स होता मेरा 8192
बानवे होता, ये 8192 होता। ये कैसे काउंट्स निकाला था, क्योंकि ये मेरा 13 बिट का काउंटर था, 2 to the power 13 मीन्स 8192। तो काउंट्स की वैल्यू यहाँ पे कितना लिखता, 8192, बट ये 13 बिट का है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4000 बिट से लिखूंगा। अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, तो ये मैं शुरू में बताया था कि मैक्सिमम काउंट्स 4000 दे सकते हैं, क्योंकि ये 12 बिट है, इसीलिए मैं इस 8192 नहीं लिखा। अगर यहाँ पे अगर मैं मिसिबिशी के साथ जीएक्स वर्क 2 में काम कर रहा था या फिर डेल्टा में काम करता, तो ये मैं वैल्यू लिख सकता था, बट एफएक्स 5U में ये वैल्यू मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो एफएक्स 5U में मैक्सिमम 4000 काउंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 4000 काउंट्स वही रहने देता हूँ, 4000 जो काउंट्स था इस काउंट्स को रहने देता हूँ। कितनी काउंट्स रीड पीएलसी की है उसके 4000 काउंट से डिवाइड कर दूंगा, ये मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ, पीएलसी काउंट्स रीड बाय पीएलसी, पीएलसी काउंट्स रीड किया, टोटल काउंट्स मेरे पास 4000 है, और इसकी वैल्यू डी फाइव में मूव हो गया। अब डी फाइव की वैल्यू को मैं यहां से देखिए, डी फाइव की वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे मैं करूंगा, टोटल ट्रेबल से। तो अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो हमारा वेट था 1000 केजी का था, अभी अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैक्सिमम ट्रेबल मेरा कितना है, मैक्सिमम ट्रेबल आप देखेंगे 150 mm है, तो मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे 150 mm डाल सकता। अच्छा, यूनिवर्सल बनाने के लिए यहाँ पे D400 डेटा रजिस्टर डाल देता और यहाँ पे इंटर कर दूं, यहाँ पे इंटर मैक्सिमम ट्रेबल, ट्रेबल ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड बन गया। अब इसको इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं वंस अगेन अपलोड करके समझाने की कोशिश करूं, अब देखिए इस पूरे प्रोग्राम को मैंने अपलोड कर दिया। अब देखिए जो मैक्सिमम हमारा ट्रेबल था D4000 में 150 mm है, तो मैं यहाँ पे 150 mm इंटर कर देता हूँ कि मैक्सिमम मेरा 150 mm का है, क्योंकि ये इन्वर्सल में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि अगर LVDT मेरी खराब भी हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर D400 की वैल्यू यहाँ पर डिसिमल है, वर्ड साइन है, क्योंकि इसको हमको फ्लोट में बदलना पड़ेगा, तो इसको मैं फ्लोट में कर देता हूँ, इसलिए ये मेरा एरर में शो हो गया। यहाँ पे देखेंगे जो एरर शो कर रहा है, इस एरर को हटा रहा हूं मैं, तो इसको फ्लोट में कर दूंगा, और फ्लोट में करने के बाद यहाँ पे वंस अगेन ये 150 mm ट्रेवल करेगा, तो 150 में इंटर कर देता हूँ 150। अब ये मेरा एरर हट जाएगा, वंस अगेन इस प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ, सो डेट एरर हट जाए मेरा, पूरे प्रोग्राम को वंस अगेन अपलोड। अभी देखिए D400 की वैल्यू को मैंने फ्लोट में कर दिया, तो अभी एरर हट गया। अब मैक्सिमम जो मेरा LVDT का ट्रेबल है 150 है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 150। अब देखिए मैक्सिमम LVDT कितना ट्रेबल करेगा, 150 mm, तो 150 mm मैं यहाँ पे ट्रेबल कर इंटर कर देता हूँ 150 mm। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना रहा हूँ, सो डेट आप अगर LVDT खराब भी हो जाए तो आप उस केस में काम कर सकते हो कि LVDT, ये वैल्यू मैं HMI में दे दूंगा कि इंटर मैक्सिमम ट्रेबल। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए अभी मेरा LVDT देखेंगे, यहाँ पे टोटल वेट की जगह पे कमेंट ही मैं केवल चेंज कर रहा हूँ, टोटल ट्रेबल लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए सो डेट और अच्छे से समझ पाए टोटल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, इसीलिए मुझे पुराने ही प्रोग्राम एडिट करना पड़ा, सेम टाइप का प्रोग्राम है। टोटल LVDT ट्रेबल लिख देता हूँ, LVDT ट्रेबल, TRAVL, सो इन HMI में इस डेटा रजिस्टर को हम दिखा सकते हैं HMI में कि टोटल ट्रेबल सो इन HMI। ये देखिए यहाँ पे अभी बाई डिफॉल्ट 0.075 कुछ ऐसी ये वैल्यू देखेंगे कि mm में ट्रेबल होते हुए दिख रहा है, कि mm से भी बहुत ज्यादा कम माइक्रोन में ट्रेबल होते हुए दिख रहा है। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया कि जो भी हमारी काउंट्स आएगी, कि अब इस पूरे प्रोग्राम को आप इस लाइन को अगर छोड़ दें, ये मेरे पास कोई एनालॉग आउटपुट इनपुट के लिए LVDT नहीं है, इसलिए मैं एक आउटपुट के लिए इस 6180 डेटा रजिस्टर में वैल्यू मूव करके मैं यहाँ से वोल्टेज जनरेट करूंगा, जैसे कि आप मैं 6180 में वोल्टेज जनरेट करूंगा और यहाँ से कितना वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा 150 mm ट्रेबल। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्योंकि 13 बिट का था
अगर मैं ये बोलूं कि डिजिटल काउंट्स हो इन 25 क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो 4500 काउंट हम दे नहीं सकते कि क्योंकि मैक्सिमम 4000 काउंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4.3 वोल्ट जनरेट हो रहा होगा तो डिजिटल काउंट कितना सो होगा, तो 4.3 वोल्ट को मैं जनरेट कर रहा था, 4.3 वोल्ट को जनरेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना वोल्टेज देने पे कितना। मैं वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे 1800 कुछ काउंट से ऐसे देता हूँ, देख 1800 अगर मैं काउंट दिया तो LVDT का ट्रेबल शो इन HMI में 68 mm पॉइंट इतना mm ट्रेबल करो। अगर दशमलव में आप देखेंगे कि 68.25 mm कुछ ऐसे ट्रेबल कर रहा होगा, कितना वोल्टेज जनरेट हुआ वोल्टेज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 4 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, लेकिन आप PLC के पोर्ट्स पे देखेंगे यहाँ पे इस डेटा रजिस्टर में तो ये कितना दिखा रहा है, 4.5 वोल्ट दिखा, 4500 दिखा रहा है या 60 दिखा रहा है। तो ये अगर आप मिली वोल्ट में अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4.5 वोल्ट ये दिखा रहा होगा, यहाँ पे 4.5 वोल्ट आ रहा है। बट ये हमारा मल्टीमीटर ये दशमलव में वैल्यू नहीं शो कर रहा है, सिर्फ इंटीजर में या तो 4 वोल्ट या तो 5 वोल्ट शो कर रहा है, इसीलिए 4 वोल्ट दिखा रहा है। एक्चुअली में ये वोल्ट मेरा जनरेट हो रहा है 4.5 वोल्ट ऐसे जनरेट हो रहा है। तो ये अच्छा सपोज ये मेरा LVDT था, अगर मैंने यहाँ पे डिजिटल काउंट कितना दिया 1800, अगर मैं इसी डिजिटल काउंट को बढ़ा के यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देता 2500 काउंट्स, अगर 2500 काउंट कर दूँ मीन्स अगर PLC में 2500 काउंट आ रहा होगा तो LVDT कितना ट्रेबल किया होगा, LVDT 94.76 मीन्स इतना mm ट्रेबल किया होगा। आप वैल्यू देख सकते हैं कि 76 ये ट्रेबल किया होगा और इतना मैंने काउंट्स दिया और कितना वोल्टेज जनरेट हुआ होगा, आप देख भी पा रहे कि 6 वोल्ट जनरेट हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखेंगे तो 6.3 वोल्ट जनरेट हो रहा है PLC में, बट ये दशमलव में नहीं दिखा पा रहा है इसीलिए। तो अच्छा ये तो था 150 mm पे कि LVDT 150 mm, सपोज मेरी LVDT खराब हो गई उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आपको प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह जो ये वैल्यू मैंने HMI में दे रखा है 150 mm, इसको अगर आप 150 mm की LVDT खराब हो गई, मैं यहाँ पे 200 mm की LVDT लगाना चाहता हूँ तो सिर्फ 200 वैल्यू इंटर मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब 200 mm के हिसाब से ये कितना LVDT ट्रेबल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अभी देखिए LVDT ट्रेबल कितना होगा, 126.something हो गया, जबकि इसके पहले अगर मैं 150 mm दिया था तो यहाँ पे देखेंगे 150 mm अगर LVDT की मैक्सिमम ट्रेबल है तो 94 mm ट्रेबल किया, 94.something। अगर यही LVDT में 300 mm की लगा देता तो 300 की mm के हिसाब से 189 mm ट्रेबल किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर LVDT मेरी ख़राब हो जाए तो इस केस में आप ये इंटर मैक्सिमम वैल्यू HMI से कि कितना मैक्सिमम LVDT कितना mm ट्रेबल कर सकता है, अगर 100 mm का ट्रेबल का LVDT लगा दिया तो यहाँ पर 100, बट अगर आप जैसे प्रोग्रामर हमारे प्रोग्रामिंग करते हैं उस हिसाब से करोगे तो फिर आप ये प्रोग्राम मीन्स मॉडिफाई दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं बस वही मीन्स मैं भी ऐसे ही करते आया हूँ अभी, बट मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड है। मैं ऐसे ही करते आया हूँ जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं देखूंगा कि ये कितना काउंट्स आ रहा है डिजिटल में, कितना SD यहाँ पे देख लूंगा कि कितना काउंट्स मेरा आ रहा है कि 2500 यहाँ पे 32 काउंट्स आ रहा है समथिंग, 2532 काउंट आ रहे हैं और LVDT कितना ट्रेबल किया है 189.5 mm ट्रेबल किया। मैं क्या करूँगा टोटल काउंट्स में 189.5 mm का डिवाइड कर दूंगा, मीन्स जो काउंट्स आएगा वो 1 mm ट्रेबल का काउंट्स आएगा, उस ट्रेबल mm के काउंट से मैं यहाँ पर डिवाइड कर। अच्छा उसको कैसे कर सकते थे, ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करते आया हूँ, बट मैं आपको जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, यही एकदम करेक्ट तरीका है जो आप एक बार प्रोग्राम कर देंगे, बार बार प्रोग्राम छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, LVDT खराब हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू इंटर करते रहेगा और इसके अपने हिसाब से यूजर उसको कैलिब्रेट करेगा। मैं क्या करूँगा SD 60-20 की वैल्यू जो डिजिटल काउंट्स आ रही है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, अभी ये कितने वैल्यू आ रही है, अभी मेरी जो काउंट्स आ रही हैं मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डिवाइड करके लिख देता हूँ, कैलकुलेटर में यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको मैं इरेज करता हूँ। LVDT मीन्स कितना ट्रेबल किया है, यहाँ पे देखेंगे 2532 आ रहा है, तो 2532 या फिर इसकी वैल्यू अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो इसकी वैल्यू ले लेंगे, D0 की वैल्यू, D0 में कितनी आ रही है 2527-28 आ रही है, तो 2500 यहाँ पे 27 डिवाइड बाई LVDT कितना ट्रेबल करा, ये LVDT मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बट बाहर में जब LVDT लगा रहेगा तो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लूंगा कि कितना mm ट्रेबल किया, यहाँ पे 889.5 mm ट्रेबल किया है,
तो सॉरी 189.5 mm, तो 189.5 mm ट्रेवल किया, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड करने के बाद मेरा 13.33 आ रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू फ्लोट में नहीं है तो इंटीजर में या तो 13 ले लूँ या तो 14 ले लूँ, या तो मैं 13 लूंगा। तो कैसे करेंगे, ये जितने भी ये डिजिटल काउंट्स आएंगे ना यहाँ पे डिजिटल काउंट, तो डिवाइड डी आई भी डिवाइड कर दूंगा डी जीरो की वैल्यू के 13 से और इसकी वैल्यू मैं मूव करा दूंगा डी 500 में कुछ भी, और यही वैल्यू मैं एच एम आई में शो कराऊंगा, एच एम आई ट्रेवल अमाउंट, LBDT ट्रेवल। अब देखिए इसी प्रोग्राम को वंस अगेन अपलोड कर देता हूं, मींस हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर LBD हमारे अलावा जो भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामर है जो लोग ऐसे ही एनालॉग की स्केलिंग करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप सीख, मतलब आप अभी इनिशियल केस में सीख रहे हैं तो उस केस में बता रहा हूं कि ये आप कैसे, मींस अभी देखिए मैंने 13 लिया था तो 194 mm यहां पर ट्रेवल दिखा रहा है जबकि 189 mm ट्रेवल हुआ है, क्योंकि ये इसलिए दिखा रहे 13.33 आ रहा था। मैं यहां पे अगर मैं इसको फ्लोट में करता ना तो शायद बात बन सकती थी, फ्लोट में करूं तो ये वैल्यू इतनी शो करेगी, बट ये सिंपल इंटीजर है तो अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो मुझे इसकी D3 की वैल्यू में डिवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं अगर ये प्रोग्रामर वाली बात करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा DDIB, दोनों तरीके से बता दे रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, DDIB और इसकी वैल्यू को मैं ई 13.33 आया था तो 13.33 और इसकी वैल्यू हमारी जो आ रही थी D3 में आ रही है, यहां पर देखेंगे तो D3 में आ रही है, यहां पर मैं D0 का वैल्यू चेंज करके D3 लिख देता हूं और वंस अगेन मैं इसको ओके कर देता हूं, और ओके करने के बाद वंस अगेन मैं अपलोड कर देता हूं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि दोनों में कितना बिग डिफरेंस है, अगर आप ये देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ये सिर्फ प्रोग्रामर मींस एक लाइन में कर दिए कैलकुलेट करके, जबकि हमने यहां पे देखेंगे कि 189.52 और 189.52 ये, बट एक लाइन का प्रोग्राम किसने, ये जो हम ही लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग एक लाइन में ये प्रोग्राम लिख के स्केल कर दे। देखिए मैंने जो इतनी लाइन का प्रोग्राम लिखा ऊपर से, ये इतनी लाइनों का प्रोग्राम जो लिखा वो लिखने के बाद मुझे 189 ये D7 की वैल्यू मिली, बट प्रोग्रामर एक लाइन में ये प्रोग्राम ये कैलकुलेट कर रही है, उन्होंने मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लिया कि ये मीन्स ये फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर है, इसको बोल सकते हो कि 13.33 इसका स्केलिंग फैक्टर है। अब D3 में जो भी वैल्यू आएगी 13.33 से डिवाइड होगी और कितना अमाउंट ट्रेवल हुआ ये यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इस, अच्छा मैं वंस अगेन अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, चेंज करके D300 में मैं ये दिखाना चाहूं, और सॉरी D10 की वैल्यू है यहाँ पे, D10 की वैल्यू मैं दिखाना चाहूं कि 2315 ऐसे कुछ काउंट्स आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से 175.56 में वैल्यू ट्रेबल हो रहा, और यहाँ पे देखेंगे 175.5 दिखा रहा और यहाँ पे देखेंगे कि 175.56 में वैल्यू दिखा रहा, तो सेम एक मींस मिलती एमएम में थोड़ी सी चेंज है दशमलव के बाद, बट ये 175 सेम वैल्यू शो कर रहा है। तो एक लाइन का ये प्रोग्राम जो हमारे LBDT मींस जो प्रोग्रामर की कैसे किए कि कितनी काउंट्स आ रही है, कितनी LBDT ट्रेवल किया, वर्नियर कैलिपर से मैंने LBDT का ट्रेवल कर लिया और टोटल पल्स में LBDT कितना ट्रेवल किया डिवाइड कर दिया, जो काउंट्स मिले मींस जो स्केलिंग फैक्टर मिला उस स्केल फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूंगा जो अब काउंट्स आ रहे हैं और टोटल मुझे ट्रेवल मिल जाएगा। बट ये इन मींस अभी तो सही है, सिर्फ इस LBDT के लिए एक्यूरेट है, बट अगर मैं इस LBDT की पोजीशन को चेंज कर दूं कि मैं बताऊं कि ये मैक्सिमम जो ट्रेवल है 300 mm है, अगर इस मैक्सिमम ट्रेवल को 300 की जगह पे वंस अगेन मैं 150 mm कर दूं या फिर 100 mm कर दूं, 100 mm ट्रेवल है, अब 100 mm ट्रेवल के हिसाब से अभी ये बता रहा कि 58.5 mm ट्रेवल किया है, ये 100 mm के हिसाब से ये बता रहा कि 58.5 mm ट्रेवल किया, बट ये जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम राइट किया वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि 175 mm अभी भी ट्रेवल किया है। क्या 100 mm मैक्सिमम जब ट्रेवल है, LBDT मेरी खराब हो गई, 300 LBDT जो mm ट्रेवल कर रही थी वो खराब हो गई, उसके जगह पर मैंने 100 mm का एक LBDT लगा दिया, ठीक है। अब 100 mm के LBDT लगाने से क्या ये जो हमने प्रोग्रामर जो हमने किया या फिर किसी और प्रोग्रामर ने किया क्या ये करेक्ट है, अगर वो अगर LBDT चेंज कर दिया तो ये क्या कैलिब्रेशन चलेगा, स्केल फैक्टर ये काम करेगा, अब नहीं स्केल फैक्टर काम करेगा, अब क्या होगा बार बार इस अगर LBDT मेरी खराब होती रही स्केल फैक्टर बार बार मुझे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा कि स्केल फैक्टर निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर मुझे कैलकुलेट करके ये प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, मैं वन टाइम प्रोग्राम लिखूंगा, बस एक बार प्रोग्राम हम लिखेंगे
और बस इंटर मैक्सिमम ट्रेवल उससे हमें इंटर कराऊंगा कि कितना एमएम ट्रेवल कराना है, और जो 100 mm की एलवीडीटी डालेगा उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके बता देगा। 200 mm की एलवीडीटी डालेगा, मीन्स 200 mm की एलवीडीटी कस दिया तो वहां पे उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन चलेगा। बट ये नहीं चलेगा एक लाइन का जो प्रोग्राम, बट ये वन टाइम के लिए है, तो मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि इसको कतई ना फॉलो करें। अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं पता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये बोलूंगा कि ये आपका स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, आप इसको फॉलो कीजिए। वंस अगेन मैं इसको अपलोड कर देता हूं सो डेट आप पूरे प्रोग्राम को शुरू से एक बार देख पाए। मैं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, जो मैं ये प्रोसीजर लिख के बता रहा हूं आप इसी को फॉलो करते रहिए ये। बट 0 to मीन्स 10 volt के लिए, या फिर 0 to 5 volt हो सकता है। डिजिटल काउंट अगर 4000 है, अगर डिजिटल काउंट भी चेंज करना है, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि 12 बिट का है 13 बिट का है, तो यहाँ पे भी एक डेटा रजिस्टर असाइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि मैक्सिमम बिट रेजुलेशन जो 8192 है, तो इसी में एक यहाँ पे डेटा रजिस्टर इंटर करा दीजिए और इसकी वैल्यू HMI इंटर करा दीजिए और आपका प्रोग्राम एक्यूरेट बन जाएगा, तब आपको नीड नहीं पड़ेगी। बट ये अगर आप MIPC में FX5PU में करें तो ये एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है, ये वैल्यू HMI में शो करा दीजिए। अगर ये लोड सेल है तो लोड सेल करा दीजिए, लोड सेल का मैक्सिमम KG कितना है आप यहाँ पे इंटर करा दीजिए, टोटल काउंट से यहाँ पे मिल जाएगा। और जो जैसे ही 1000 का लोड सेल है या 500 kg का वैल्यू इंटर करते जाएगा, उसके हिसाब से स्केल होते जाएगा। बट इसके पहले जो अभी मैं जिस पॉइंट को इरेज किया वो स्केलिंग सिर्फ वन टाइम का, अगर वो लोड सेल खराब हो गया भाई साहब, दोबारा एक लोड सेल लगाए तो वो कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी मीन्स इस प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको आप फॉलो कीजिए और एक परफेक्ट प्रोग्रामर एनालॉग में बनिए और किसी को समझा भी पाएंगे कि कैसे हम इस प्रोग्रामिंग एनालॉग का किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बेस्ट भी है। प्लीज दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।